तो स्वामी जी, जैसे आजकल के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं ये एलोपैथी के चक्कर में, एलोपैथी के भी जाते हैं, और वैसे भी उनके मन में डर होता है कि जो बड़ी बड़ी डिसीजेज है जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट डिसीजेज हो गई, तो वो जाते हैं सीधा एलोपैथी पर ही, तो वो कैसे वो कुंभक पे ट्रस्ट बनाएं अपना, तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं। कुंभक पे ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। पहली बात, कोई भी चीज़ विश्वास, जिसे हम कहते हैं ना फेथ से शुरुआत कीजिए, बिलीफ से शुरुआत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बात से अग्री नहीं करता, आप किसी भी चीज़ की शुरुआत फेथ या बिलीफ से ना करें, आप प्रैक्टिकलिटी से करें। कुंभक आपके ही शरीर का बल नियम है, यानी शरीर आपका कामकाज ही कुंभक से करता है, तो आपके शरीर को एम्पावर करना ये आपकी पहली जिम्मेदारी हो जाती है। आज के समय में बीमारियों का डर भी है, बीमारियों से लोग परेशान भी हैं, मगर बीमारी कम तो नहीं हो रही, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ कम नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हमें आँखें खोलनी पड़ेंगी। तो क्या एकदम से दवाई छोड़ दें? ये मैंने पहले भी बता दिया कि अपने शरीर को एम्पावर करना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि शरीर ही आपको ठीक करेगा। बाकी आप दवाइयों से धीरे धीरे करके निकलेंगे तो शरीर ज़्यादा अच्छा ठीक कर पाएगा। डर लगता है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, मगर साथ में कुंभक करने में तो कोई बुराई नहीं है। साथ में कुंभक करेंगे तो दवाइयों से नुकसान भी कम होगा, दवाई ज़्यादा काम भी कर पाएगी आपके शरीर के अंदर, खास करके आयुर्वेदिक दवाई भी ज़्यादा काम कर पाएगी अगर आप कुंभक करेंगे। तो कुंभक हर तरीके से सपोर्टिव है, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के विरुद्ध में है। मैं इसीलिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह रहा हूँ, क्योंकि आपका शरीर ठीक करेगा तो कुंभक कीजिए, बाकी आपको जो मनाओ करो। धीरे धीरे आपकी समझ खुलेगी, आपको एम्पावर होंगे, आपका डर कम होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी प्रॉब्लम्स कम आएंगी, आपके सिम्टम खत्म होते जाएंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो शुरुआत में आपको केवल एक ही बात समझनी है कि ये शरीर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। शरीर है तो आप हैं, नहीं है तो आप नहीं हैं, तो इसको एम्पावर कीजिए, इसके बल बढ़ाइए, इसको वापस उसकी स्ट्रेंथ को वापस करें, इस शरीर की स्ट्रेंथ को ये ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समझ में आते जाए, जैसे जैसे फ़ायदा होते जाए, तो आपको पता चल ही जाएगा और दवाइयाँ धीरे धीरे आप छोड़ ही देंगे। तो प्रैक्टिकली समझें, सोचें कि ये आपके शरीर के बल निर्माण यानी आपके शरीर के फंक्शनल कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तो वो ज़रूर कीजिए। और इसमें कोई फेथ करने की ज़रूरत नहीं, कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज़ है।